नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लिवेज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती दाल, जो बहुत ही आसानी से बनती है और बेहद स्वादिष्ट होती है। इस रेसिपी के लिए सामग्री की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंचे। रेसिपीज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happylivage.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने आधा कप तुअर दाल को 2 कप पानी और हल्दी डालकर अच्छी तरह से कुकर में पका लिया है। अब हम इसमें 1 और कप पानी डालेंगे और हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप इसके लिए रवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे अदरक, हरी मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ता, टमाटर, कोकम। दोस्तों, अगर टमाटर ज्यादा खट्टे हैं तो कोकम ना मिलाए तो भी चलेगा। गुड़, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों, मैं नमक डालना भूल गई थी तो नमक भी डाल देंगे। अब इस दाल को 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि जो चीजें हमने मिलाई हैं वो अच्छी तरह से पक जाए और दाल का स्वाद भी बढ़ेगा। दोस्तों, तुअर दाल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कोकम हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है। साथ ही तड़के के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, जो इस दाल को और भी ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाएगा। तो आप जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आपके सुझाव और अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। दाल उबलते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए पहले घी गरम कर लेंगे। आप घी की बजाय तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तेल या घी ज्यादा गर्म हो जाए तो गैस बंद कर दें। तड़के के लिए घी में डालेंगे राई, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और हींग। अब तुरंत इस तड़के को दाल में डालकर ढक्कन रख देंगे ताकि तड़के का स्वाद दाल में उतर जाए। ढक्कन रखकर लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। दाल तैयार है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की। अब हम गैस बंद कर लेंगे और दाल को धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई। फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।